सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और सर्दियों के मौसम में फूल गोभी बहुत अच्छी मिलती है और फूल गोभी के पराठे अक्सर सर्दियों में ही बनाए जाते हैं। नाश्ते के समय गर्मा गर्म फूल गोभी का पराठा मिल जाए तो नाश्ते का मज़ा दुगना हो जाता है। फूल गोभी बहुत हेल्दी होती है, इसमें बहुत मात्रा में कैल्शियम, विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। फूल गोभी का पराठा आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो। आइए तो शुरू करते हैं फूल गोभी का पराठा बनाना। सबसे पहले 250 ग्राम फूल गोभी को ऐसे कद्दूकस कर लें, जिसको मैंने अच्छी तरह धोकर और कपड़े से सुखाकर रखा है। नेक्स्ट, इसमें एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक इंच अदरक कद्दूकस की हुई और नमक स्वाद अनुसार डालें। अच्छे से मिला लें और गोभी के पराठे की फिलिंग तैयार कर लें। अब गेहूं के गूंदे हुए आटे की एक लुई लें और सूखे आटे में लपेट लें और एक रोटी बेल लें। अब रोटी के ऊपर एक छोटा चम्मच तेल डालें और इसमें चुटकी भर नमक और चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर डालें और ऐसे पूरी रोटी में अपनी उंगलियों से ऐसे फैला दें। अब रोटी के ऊपर थोड़ा सूखा आटा चारों तरफ ऐसे छिड़क दें। नेक्स्ट, इसके ऊपर तैयार की हुई गोभी की दो बड़े चम्मच फिलिंग डालें और इसे ऐसे चारों तरफ से बंद कर दें। फूल गोभी से भरी हुई लुई को फिर से सूखे आटे में लपेट लें और हल्के हाथों से ऐसे पराठा बेल लें। ध्यान रहे, इसे हल्के हाथों से ही बेलना है, नहीं तो पराठा फट सकता है और फिलिंग बाहर आ सकती है। इस बेले हुए पराठे को गरम नॉनस्टिक तवे पे रखें, एक साइड से पकने दें, एक मिनट के बाद फिर साइड चेंज कर दें। अब ऊपर से ऐसे चारों तरफ चम्मच की सहायता से तेल लगाएं। अब फिर से साइड चेंज कर लें और एक साइड गोल्डन ब्राउन होने तक पकने दें। अब ऊपर की बाजू भी फिर से ऐसे तेल लगा लें और साइड चेंज करके गोल्डन ब्राउन होने तक पकने दें। देखिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब निकाल दें। ऐसे ही हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। यमी, स्वादिष्ट, गर्मा गर्म गोभी का पराठा सर्व करने के लिए तैयार है।